Mangoes are brought at the rate of rupees 10,000 per ton. If 1/3 of the total mangoes are sold at loss of 4%, then what percent should the remaining mangoes be sold so as to gain 30% as the whole transition? Okay. सबसे पहले total number of rate of mango कितना है? 10,000. तो 10,000. 10,000 मैंगो क्या है? इफ़ 1/3 ऑफ द टोटल मैंगो का 1/3 आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 4%, यानी कि 4% का लॉस, यानी कि 4% का लॉस, यानी कि 96/100 प्लस एक्स, ओके, इक्वल टू है मेरा कितना रिमेनिंग मैंगो सोल्ड 30% ऑफ द होल ट्रांजेक्शन. होल ट्रांजेक्शन कितना है? 10,000 का 30%, यानी कि प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो 130/100, यहाँ से 20, यहाँ से 20 कैंसिल, यहाँ पे 3 1 3 3 3 9, 3 2 6, ये 20, ये 2 2 0 0 भी कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका 3 2 0 0 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा मेरा 1 3 0, एक्स इक्वल टू होगा 13,000 में से 3,200 जाएगा, तो कितना बचेगा? 9,800 बचे, तो एक्स का वैल्यू मेरा निकल के आ गया 9,800. अब बोल रहा है मेरा एक्चुअल में मैंगो था 1/3, ओके, कितना था? 1/3. देखिए 1/3 में अगर डिफरेंस देखिए 2 3, तो 1/3 में रिमेनिंग बचेगा कितना? 2 3 बचेगा, ओके, 2 3 बचेगा, 1/3 तो गया मेरा, 2 3 बचा, 2 3 जो बचा इसका वैल्यू है मेरा कितना? 9800 का वैल्यू है इसका वैल्यू, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9800, जगह नहीं मिल रहा है, थोड़ा नीचे लिख, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9800, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 4 9 और 2 0, ओके, तो 4900 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 1470, तो ये मेरा क्या होगा? आंसर होगा. थैंक यू.